हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ये वीडियो हम लोगों का रीजनिंग का है। इसके पहले हम लोगों ने जो कंडीशनल लेटर या नंबर हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था कि इसके कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने कुल टोटल 5 टाइप से क्वेश्चंस को देखे, जिनको हम लोगों ने 2 वीडियोस में देखा। टाइप 1 टाइप 2 का हमारा पहला वीडियो था, उसके अलावा फिर टाइप 3 टाइप 4 एंड टाइप 5 के वीडियोस को हम लोगों ने देखे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इस प्रकार के सीखा। आज हम लोग जो कंडीशनल लेटर के क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं इनके एक्सरसाइज वीडियो का पहला वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए हैं, वो परीक्षाओं में आपको आने की प्रोबेबिलिटी किस रूप में है और कैसे कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं कंडीशनल नंबर सिस्टम से और टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरह से हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ आपके सामने, इसमें लिखा है निम्न संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके निकट पहले 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। यानी कि निकटतम पहले, यानी कि पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या ध्यान देना है। पहले पूछा है कि ऐसे कितने 9 के अंक हैं, यानी 9 को हाईलाइट किया है। इसके आगे कह रहा है जिसके निकटतम पहले, पहले मतलब उसके पहले 9 से पहले जो क्रम में आएगा, तो पहले 5 हैं किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। यानी कि 9 से पहले 5 होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आसान विधि इसकी होगी कि जितने 9 हैं पहले हम उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो जो हम लोगों ने टाइप सीखा था टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, यानी कि टाइप 1 जो सीखा था उसमें जो हम लोगों ने कंडीशन इंप्लीमेंट किया था वही चीज़ यहाँ पे भी लागू करेंगे। तो देखिए हम लोग 9 है ना, तो पहले 9 को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, 9 कहाँ कहाँ है इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आप देखते जाएंगे तो शुरुआती दौर से आप देखते जाइए कि 9 कहाँ कहाँ है। तो हमको मिला कहाँ, तीसरी जगह पर मिला, चौथी जगह पर मिला, कुल 4 प्रकार 9 हमको दिखाई दिए। एक बार इसको और भी, चूँकि जब ज़्यादा नंबर दिए रहे हैं तो थोड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं और तो छूटा नहीं, वैसे 4 ही हैं इसमें, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि 9 कहाँ मिल रहा है। तो 9 हम देखते जाएंगे क्रम में, तो कुल टोटल हमारा 4 जगह ही 9 हमको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब पहली कंडीशन कह रहा पहले 5 होना चाहिए 9 से पहले, बाद में 6 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले तो 5 है लेकिन बाद में 6 दे दे रहा है, इसमें तो ये नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में देखिए पहले तो 5 होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर 9 के पहले 5 होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए, इसमें तो यह भी नहीं होगा। और इसमें अगर देखेंगे पहले 5 होना चाहिए, बाद में 6 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। तो यानी कि 2 हमारे इन 9 जो हैं वो 4 जगह पे आपको दिखाई दिए पूरे नंबर में, इनमें से 2 जगह पर हम लोगों ने देखा, मतलब सभी जगह पर 5 तो पहले पढ़ रहा है लेकिन बाद में कहा है 6 नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन 4 में से 2 जगह पर लास्ट में 6 पढ़ जा रहा है, इस नाते 2 नहीं होगा, बाकी 2 हमारे होंगे। तो क्वेश्चन का जवाब होगा कि इसमें से कितने बन रहे हैं, यानी कि 2 हमारे बन रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे प्रश्नों को, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नीचे कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आता है पर बाद में 3 ना आता हो, ठीक है। सेम कंडीशन में वही क्वेश्चन है, फर्स्ट से हम पहला प्रयास क्या करेंगे, यहाँ पर एक 4 कितने हैं तो 4 को पहले हाईलाइट कर लीजिए कि 4 कौन कौन है उसको आप पॉइंट कर लीजिए, जिससे आसानी हो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्पीड के साथ करना अगर आप चाहते हैं और एक्यूरेसी आपकी बनी रहे कि गलत ना हो, तो उसके लिए पहले जिसको हाईलाइट किया हो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, जिससे हड़बड़ाहट में आप क्या करेंगे, नहीं तो एक आध छूट जाएगा या कुछ और चीज़ें समझने में आपको असुविधा होगी। तो फिर से एक बार हम इसको ट्राई करेंगे। इसमें 4 है, फिर देखते जाइए दूसरी जगह पे 4 हो गया, फिर इसके अलावा तीसरी जगह पे 4 हो गया, चौथी जगह पे 4 होगा और 5, यानी 5 कंडीशन में 4 की जगह है। अब उसके मानकों को हम लोग देखते हैं, क्या इसमें कंडीशन रखा है पहले 7 होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, 3 ना आता हो, तो पहले 7 हो बाद में 3 ना आता हो तो पहला मिल गया। दूसरे वाले में पहले क्या हो, 7 होना चाहिए और यहाँ पर 7 नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ऐसे गलत हो गई इसकी, ठीक है।
फिर दूसरे में देखिए, पहले सात होना चाहिए, बाद में तीन नहीं आना चाहिए, यानी ये कंडीशन पूरी कर रहा है। फिर इसमें देखिए, पहले सात हो, बाद में तीन नहीं आना चाहिए, यानी ये कंडीशन भी नहीं पूरी कर रहा है। पहले सात तो होना चाहिए, बाद में तीन नहीं होना चाहिए, यानी ये कंडीशन पूरी कर रहा है। तो कुल टोटल पांच जगह पे हमारे चार थे, जिनमें से दो जगह पर हमारे चार कंडीशन को नहीं पूरा कर रहे हैं, तीन जगह पर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक, तीन कंडीशन हमारी बन रही है तो तीन हमारा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं की सूची में कितने चार के अंक ऐसे हैं जिनके आगे पांच आता है परंतु उससे पहले अंक छह न आता हो, उसके पहले छह अंक न आता हो। देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है तो थोड़ा समझने की जरूरत होगी। यहाँ पर पहली चीज तो चार कहा है, ठीक है, जिसके आगे अंक पांच आता हो। आगे का मतलब बेटा उसके बाद, आगे का मतलब बाद हो गया, परंतु उससे पहले। देखिए पहले का क्या मतलब हुआ, पहले तो आप जानते हैं किसी संख्या के पहले मतलब स्पष्ट है, और आगे का मतलब क्या होगा, आगे मतलब आगे नहीं, उसके बाद की संख्या कह रहा है, बाद मतलब, आगे का मतलब बाद में। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी हैं, तो इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा थोड़ा। क्या कह रहा है, चार के अंक है जिनके आगे पाँच आता है, तो आगे का मतलब आप सोच रहे होंगे उसके आगे में भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है शुरुआती तौर में, आगे मतलब पहले। तो ठीक है, चलो पहले मान के देखते हैं, लेकिन दूसरे सवाल को जब पढ़ेंगे तो आपको, दूसरे कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे मतलब उसके बाद की बात कह रहा है। ठीक है, पांच आता है परंतु उससे पहले अंक छह ना आता हो, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन यहां पर आप देखेंगे, आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। यहां पर कंडीशन थोड़ी सी शेष क्वेश्चन से भिन्न है, यहाँ पर भाषा को समझना होगा, यानी कि हमको चार को पहले हाईलाइट करना है, ठीक है, जिसके पहले अंक पाँच आता हो, आगे नहीं, सॉरी, जिसके आगे, पहले नहीं कह रहा, आगे, आगे मतलब उसके आगे, चार के आगे, यानी अगला डिजिट, चार यहाँ पे है तो उसके आगे, ठीक है, अगला डिजिट, ठीक है, पाँच आता हो परंतु उससे पहले छः का अंक ना हो, यानी कि चार से पहले, बिफोर सिक्स नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग चार को हाईलाइट कर लेते हैं, चार कहाँ कहाँ पर है, चार यहाँ पर देखिए, कंडीशन को आप देखिए, क्वेश्चन को पहले देखिए, फोर है, फिर चार यहाँ है, फिर चार यहाँ है, इसमें देखेंगे तो चार की संख्या आपको इतनी जगह दिखाई दी, फाइव टाइम दिखाई दिया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कहाँ पर चार है, तो चार एक हमारा मिल चुका है, फिर यहाँ पर चार है, फिर इसके बाद यहाँ चार है, देन यहाँ पर चार है, फिर इसके बाद कंडीशन देखेंगे और कहीं कोई कंडीशन तो नहीं बनी फोर की, फिर लास्ट में एक फोर हमारा है, ठीक है। यहाँ पर तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः जगह पर हमारे फोर हैं, ठीक, ये कंडीशन को समझ में आ गई, यानी कि अब हमको कन्फ्यूजन, मतलब कोई हमको छूटने का कोई लफड़ा नहीं रह गया, हमारा खत्म हो गया सिर दर्द। अब क्या कह रहा है, आगे यानी उसके बाद में पाँच होना चाहिए, पहले छः नहीं, बाद में पाँच होना चाहिए, पहले छः नहीं होना चाहिए, तो पहला हो गया, एक मिल गया यहाँ पे। क्या होना चाहिए, बाद में, आगे मतलब इसके बाद में पाँच आना चाहिए, छः नहीं होना चाहिए, तो देखिए बाद में पाँच नहीं, जीरो आ जा रहा है, इस नाते ये कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। बाद में पाँच होना चाहिए, पहले छः नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखिए छः पहले दे दिया, यानी यह भी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। यहाँ पर कौन सी कंडीशन नहीं पूरी थी, बाद में, बाद में पाँच होना चाहिए तो पाँच नहीं है, पहले छः नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा कर दे रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा है, साथ ही ये भी नहीं होगा। फिर अगले में, बाद में आपका क्या होना चाहिए, पाँच होना चाहिए, बाद में पाँच होना चाहिए, पहले छः नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा है, ठीक। आगे कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर बाद में पाँच होना चाहिए, पहले छः नहीं होना चाहिए, यानी कंडीशन को पूरा कर रहा है। यहाँ पर देखिए बाद में तो कुछ दिया ही नहीं है, पहले की कंडीशन कर रहा है, तो यानी यह भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो बचा क्या, एक और दो, सिर्फ दो यहाँ पर हो रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न श्रृंखला में आठ से पहले और सात के बाद ना आने वाले कितने छः हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, पहले लिख दिया है आठ से पहले और सात के बाद, यानी कि सात पहले होना चाहिए और आठ बाद में होना चाहिए, ये बात यहाँ पे समझिएगा। थोड़ी भाषा आप समझेंगे तो प्रश्न आपके बिल्कुल गलत नहीं होगी। यहाँ भाषा समझने में ही शुरुआती दौर में जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, शुरुआती दौर में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको यही प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर पहली बार जब क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो ऐसी हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला में आठ से पहले, आठ से पहले
यानी कि 8 बाद में होगा, यानी 8 बाद में होगा, 8 से पहले होना चाहिए कौन सी, जो भी संख्या के बारे में बात कर रहा है, बहरहाल इसमें बात कर रहा है 6, तो क्या कह रहा है 8 से पहले और 7 के बाद, ठीक है, कह रहा है 7 के बाद न आने वाले कितने अंक हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पर देखिए, ये चीज तो कह रहा है लेकिन कह रहा है 8 से पहले यानी 8 बाद में होना चाहिए और 7 के बाद न आने वाले कितने 6 हैं। 7 के बाद न आने वाले यानी कि पहले 7 भी नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए पहले, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर कह दिया है। ठीक, तो इस चीज़ को देखिए, पहले हाईलाइट करिए आप 6 को, फिर प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 6 जितने भी 6 हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कई सारे 6 दे रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में कठिन लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर दे रहा है, अब इन कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। ठीक, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा बारीकी जो मैंने बताया इसको आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। इसमें कंडीशन यही रख रहा है 8 से पहले और 7 के बाद, देखिए मेंशन और करने के नाते कंडीशन और बढ़ गई है कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कंडीशन दे रहा है। फिर से एक बार सुनिए, निम्न श्रृंखलाओं में 8 से पहले यानी 8 से पहले, ठीक, 8 से पहले और 7 के बाद, यानी कि 7 के बाद, ठीक है, के बाद क्या कह रहा है, बाद ना आने वाले, ना शब्द यहाँ पर जुड़ गया बच्चों, ना आने वाले कितने 6 हैं, यानी ये कंडीशन नहीं दिखनी चाहिए। कहना है कि मतलब है 8 से पहले और 7 के बाद कितने संख्या है, मतलब 6 के बारे में कह रहा है, तो 8 से पहले और 7 के बाद कितने 6 यहां इसमें हैं, इसमें कितने 6 हैं ये आपको बताना है। तो ये कंडीशन अगर होगी तो मतलब ये नहीं होने चाहिए, मतलब यानी 6 के बाद 8 नहीं होना चाहिए और 6 से पहले 7 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर कोई ये कंडीशन दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट अगर कर रहा होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यानी ये दोनों मानक नहीं होने चाहिए, यानी कि 6 के बाद 8 नहीं होना चाहिए और 6 से पहले 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, अब क्या कह रहा है, पहली कंडीशन देखिए 6 को हमने हाईलाइट कर लिया, 6 को, अब इसके बाद 8 नहीं होना चाहिए, उसके पहले 7 नहीं होना चाहिए, तो पहला नहीं पूरा हो रहा है। दूसरे में देखिए, बाद में हमारा क्या कह रहा है, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, तो ये है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है। ठीक है, तो इस नाते ये हो जाएगा। फिर देखिए, फिर 6 उठाइए, बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, पहले क्या 7 नहीं होना चाहिए, तो ये भी कर रहा है रिक्वायरमेंट पूरी को। ठीक है, इसके बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, भी पूरी कर रहा है। बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, देखिए बाद में लेकिन 8 दे रहा है, यानी ये पूरा नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट को। फिर कह रहा है अगला, जब हम आगे जाएंगे तो बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, ये पूरा कर रहा है। फिर इसमें देखिए, इस वाले 6 को लेंगे, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन 8 वाली तो नहीं, 6 तो कर दे रहा है, 6 वाली पूरी, पहले वाला 6 हो जा रहा है, मतलब 7 नहीं है, इससे अलावा कुछ भी हो सकता है, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो ये भी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरी कर रहा है। आगे देखिए, बाद में 8 नहीं होना चाहिए, पहले 7 नहीं होना चाहिए, मतलब 7 नहीं होना चाहिए, तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रहा है। इसको अगर देखेंगे तो ये तो पूरी नहीं कर पाएगा, छोड़ दिया जाएगा इसमें से। ठीक है, तो इसमें से तरह से आपने देखा कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जोड़ा बनेगा, इस जोड़े से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पहला जोड़ा बच्चों बन रहा है हमारा 8 6 7 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, एक पेयर ये बनेगा। दूसरे पेयर को देखेंगे तो 6 को लेकर के ये दूसरा पेयर बन जाएगा, दूसरा पेयर बना। तीसरे पेयर की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। फिर इसके बाद चौथे पेयर की बात करेंगे, 8 6 6 वाला बन जाएगा, 8 6 6 का पेयर हमारा बनेगा। ये 4 पेयर ही बन पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, 6 के बाद 7, उसके पहले 8, दूसरा पेयर बनेगा 6 के बाद 5 और उसके पहले 8, फिर इसके बाद 6 से बाद 9, उसके पहले 8, एक पेयर ये बनेगा, और 6 के बाद 6, उसके पहले 8, ये पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बनेंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है आपको, बारीकी से ध्यान देंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं। कंडीशन मैंने ऊपर बता दी थी कि आपको ये फिगर नहीं आना चाहिए, 6 के बाद 8 नहीं होना चाहिए, 6 से पहले 7 नहीं होना चाहिए, यही देखिए कंडीशन। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। 8 से पहले नहीं, 8 बाद होगा इसका, मतलब 8 से पहले
किसके बारे में बात कर रहा है? छः, ध्यान रखिएगा, आठ से पहले, आठ से पहले जो है छः नहीं होना चाहिए और सात के बाद छः नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है यहाँ पर। तो क्या है, आठ से पहले छः नहीं होना चाहिए और सात के बाद छः नहीं होना चाहिए कंडीशन है, तो यानी इसी को ध्यान में रखिएगा। अगर फिगर देखेंगे तो इनके अगर किसी का इसका अतिक्रमण कोई भी कर रहा है तो नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जैसे छः सात छः आठ, सात छः आठ, ये क्यों नहीं पूरी हो रहा है? क्योंकि कह रहा है पहले सात नहीं होना चाहिए, बाद में आठ नहीं होना चाहिए, ये कर रहा है, इस नाते ये नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इस वाले सिक्स को ले लेते हैं, अब छः आठ है नौ है, तो ये कंडीशन तो पहले मतलब सात नहीं होना चाहिए तो सात नहीं है भाई, नौ है, लेकिन बाद में आठ भी नहीं होना चाहिए तो आठ यहाँ दे दे रहा है, इस नाते यह भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। यानी कोई एक जो कंडीशन को बैलेंस करेगा तो वो क्वेश्चन मतलब पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, कुछ दिए हुए हैं कंडीशन। फिर कह रहा है कितनी बार एक, कितनी बार संख्या, यहाँ पर एक लिख रहा है, यहाँ पर एक मतलब वन की बात कह रहा है, वन यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। ठीक है, कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। ठीक है, कितनी बार एक सम संख्या के बाद में, यानी कि कोई सम संख्या होगी उसके बाद में एक आया होगा। ठीक है, बीस के बाद में, तो यहां पर देखो क्वेश्चन बच्चों, ये एक चीज यहां पर ये कह रहा है कितनी बार एक सम संख्या है, तो यहां एक ये वाला कंडीशन नहीं, कोई भी सम संख्या यहां पर बात कह रहा है, कोई भी सम संख्या, कितनी बार एक सम संख्या, एक सम संख्या यानी कि इसमें से जो भी संख्याएं होंगी सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई, यानी कि इसमें देखना यह है आपको कि सम संख्या के बाद विषम संख्याएं कितनी ऐसी कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर, कितने जोड़े बन रहे हैं, कि एक सम संख्या उसके तुरंत बाद विषम संख्या, सम संख्या के बाद तुरंत विषम संख्या, सम संख्या के बाद तुरंत विषम संख्या, तो पहले आपको ढूंढना क्या होगा, सम संख्या। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सम संख्याओं को हम ढूंढ लेंगे, सम संख्याओं को हाईलाइट कर देंगे, उसके तुरंत बाद क्या विषम संख्या आ रही है यही देखना है हमको। ठीक, तो सम संख्या में अगर हम देखेंगे तो सम संख्या क्या दो से ही शुरू होती है, तो एक दो ये है, फिर इसके बाद तीन चार तो है नहीं, फिर तीन और पाँच है नहीं, चार हो जाएगी सम संख्या, छः हो जाएगी सम संख्या, फिर चार हो जाएगी सम संख्या। सम का मतलब होता है जिसमें दो से भाग चला जाए। ठीक है, फिर आठ हो जाएगी, फिर चार हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा, फिर फिर कोई संख्या इधर नहीं बचेगी आपकी। ठीक है, इधर कोई संख्या नहीं बचेगी, तो आप देखिए सम के बाद कितनी विषम संख्याएं आ रही हैं, तो ये पहली तो मिली गया आपको, पहला वाला कंडीशन पूरी हो रहा है, ये कर रहा है, सम के तुरंत बाद विषम आ रही है तो दूसरा भी पूरा कर रहा है, यानी ये भी हो गया, सम के तुरंत बाद विषम आ रही है यानी तीसरा भी हो गया, सम के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर ये सम है, इसके तुरंत बाद सम ही आ रहा है तो ये नहीं पूरा कर रहा है, फिर ये सम के बाद तुरंत सम आ जा रहा है ये भी नहीं पूरा कर रहा है, सम के बाद विषम आ रहा है नहीं पूरा कर रहा है, सम के बाद फिर सम आ जा रहा है ये नहीं पूरा कर रहा है, सम के बाद विषम आ जा रहा है ये पूरा कर रहा है, तो कुल कितनी कंडीशन पूरी हो रही है, एक दो तीन चार पाँच, कुल कितनी बार कंडीशन पूरी हो रही है, फाइव टाइम हमारे कंडीशन को पूरा हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो भी दिया होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ये पांचों जो क्वेश्चन आप लोगों ने एक्सरसाइज के किए ये किन्हीं न किन्हीं महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको आएंगे, और आप प्रैक्टिस करके इसे एक्सरसाइज वीडियो के माध्यम से 100% सियोरिटी के साथ क्वेश्चन को करके आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद और ऐसी आशा आप लोगों के साथ में है। आप लोग जो चैनल पर अपना प्यार और विश्वास बनाए हुए हैं, ये अगर यकीन करिए कि अगर आप लोगों ने पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ इसको एक सिस्टम ऑटोमेटिक वे से देखते चले जाएंगे तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे वो पेट से लेकर के और उससे बड़ी परीक्षाओं तक जिसमें रीजनिंग आता है, ऑलमोस्ट आप 100% रीजनिंग सही करके ही आएंगे। और आप इसी के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स के हमारे जो वीडियोज चल रहे हैं, बेसिक मैथ जिसमें हम लोग सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, मीन्स वो बच्चे बहुत मैथ से डरते हैं, तो हमने प्रयास किया है कि बेसिक मैथ भी उसमें अच्छे से समझाई जाए, और उसमें वीडियो इसी नाते हम लोग इतने शांत तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि बच्चा डरे ना, घबराए ना, थोड़ा टाइम लेते हुए प्रश्नों को सॉल्व कर ले, इसके पीछे का मेथड ये है। साथ ही साथ
मैथ तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं आप लोग, हिंदी के भी कुछ बेहतरीन वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं और लगभग हिंदी भी हमारा कंप्लीट की स्थिति में है। आगे हम लोग हिंदी के कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग देखिए। अपना प्यार और अपना साथ इसी तरह से चैनल से बनाए रखिए और सिस्टमेटिक वे से जो एक्सरसाइज दी जाती हैं उनको आप सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपके, ऑलमोस्ट रीजनिंग भी कंप्लीट होने की स्थिति में है, तो आप उसको भी देखा करिए। जो भी किसी प्रश्न में अगर कोई असुविधा होती है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।